मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज आनंद फ्रॉम इंडियन किड्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 1.1 का, जो कि चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, क्लास 10 का सबसे पहला वाला क्वेश्चन। ओके, यहां पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। सबसे पहला नंबर 135, सेकंड इज 196 एंड 38420, द थर्ड वन इज 3867 एंड 225। ठीक है, ये तीन नंबर है और इनका क्या निकालना है एचसीएफ। एक के 225 आई गेस, हां, एंड 225, सॉरी ये 225 है, 135 एंड 225, 196 एंड 38220। ठीक, तो सबसे पहला आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब समझ लीजिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को शॉर्ट फॉर्म में ईडीए कहते हैं। ईडीए क्या होता है, सेट ऑफ रिपीटेड स्टेप्स इन ऑर्डर टू गेट अ पर्टिकुलर आंसर। एल्गोरिथम का मतलब ही होता है, ये टर्म का मतलब होता है ना, एक स्टेप को बार बार परफॉर्म किया जाए या फिर सेट या सीरीज ऑफ स्टेप को परफॉर्म किया जाए इन ऑर्डर टू डिराइव अ पर्टिकुलर आंसर। अब ईडीए में रिपीटेड यूज ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है, किसका, किसका मतलब होता है रिपीटेड यूज ऑफ ईडीएल, दैट इज व्हिच स्टैंड्स फॉर यूक्लिड डिवीजन लेमा। बार बार ईडीए का मतलब ईडीएल का यूज करने को बोलते हैं ईडीए। और इन क्वेश्चन में एचसीएफ निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और आप इससे समझ पाएंगे कि ईडीए का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फिल कर दिया मैंने सर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सबपार्ट 1 लिखिएगा। अब यहां से पार्ट 1 क्या है, 135 एंड 225। ठीक, ये दो पेयर ऑफ नंबर्स हैं। सबसे पहले ये देखिए कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक, सबसे छोटा ये वाला है, दैट मींस 225 इज ग्रेटर देन 135। जो छोटा नंबर होता है पेयर में उसको एज अ डिवाइजर ट्रीट करते हैं, और जो बड़ा नंबर होता है पेयर में जो कि 225 है इन दिस केस, उसको मैं ट्रीट करूंगा एज अ डिविडेंड। बात समझ में आई? और क्या लगाएंगे, बेसिकली EDA जो इसमें लगेगा वो कुछ नहीं है, डिवीजन मेथड है एचसीएफ निकालने का, जो कि हम लोग बहुत बेसिक क्लास में मेबी 5th और 6th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एचसीएफ निकालने का तरीका। अब देखिए इसके एचसीएफ निकलता कैसे, 135 225 का। ठीक, जो सबसे छोटा नंबर होता है दैट विल एक्ट एज अ डिवाइजर एंड द बिगर और द लार्जर नंबर विल एक्ट एज डिविडेंड। ठीक, नाउ लेट अस डिवाइड 135 टाइम्स 1 गिव 135 और 2 टाइम्स तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहां 0 आएगा पर यहां पर 9312 है। ठीक, अब देखिए क्या रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, ये डिवीजन मेथड परफॉर्म कर रहे हैं और डिवीजन मेथड से ही हम एचसीएफ निकालते हैं, रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तब जो रिमाइंडर होता है वो एक्ट फिर से एक डिवाइजर का रोल अदा करेगा और यहां का जो डिवाइजर था वो क्या बन जाता है, फिर से एक डिविडेंड बन जाता है। बात समझ में आई? अगर रिमाइंडर 0 नहीं है ना, अगर 0 आ जाता तो यही हमारा जो डिवाइजर था एचसीएफ बन जाता, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर से हम परफॉर्म करेंगे डिवीजन मेथड, रिमाइंडर अब बनेगा डिवाइजर और यहां पर डिवाइजर था डिविडेंड का काम करेगा। बात समझ में? 90 टाइम्स 1 की 90, 90 टाइम्स 2 गिव 180, तो ठीक है 90 टाइम 1 ही करेंगे। ठीक, तो आएगा आपका 45। रिमाइंडर का इक्वल टू 0 है, फिर अभी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 नहीं है ना, तो क्या करेंगे, फिर से इसको डिवाइजर जैसे ट्रीट करेंगे और यहां का जो डिवाइजर था ये बन जाएगा आपका डिविडेंड। ठीक है, नाउ 45 टाइम्स 2 गिव्स 90। अब आंसर क्या आ रहा है, 0 है। यहां आंसर क्या है, रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ रहा है ना, जब रिमाइंडर 0 आता है उस समय जो हमारा डिवाइजर है वही बन जाता है एचसीएफ, किसका, इन दोनों नंबर का। बस समझ में? ये तो था आपका मेथड। ठीक है, वो डिविजन मेथड इन ऑर्डर टू फाइंड एचसीएफ। अब इन दोनों में हम यूज कैसे करेंगे ईडीएल का वो देखेगा। ठीक, अब देखिए बड़ा नंबर था 225, सबसे पहले EDL को लिखा कैसे जाता है, EDL is written as A is equal to BQ plus R। ये कुछ नहीं है, सिंपली एक डिवीजन का एक रूल है, जहां पर A क्या है, डिविडेंड है, which is equal to B आपका ट्रीट कर रहा है डिवाइजर का, Q quotient का plus remainder, A is equal to BQ plus R। फिर से बता रहा हूं, A आपका डिविडेंड है, equal to B आपका डिवाइजर है, Q quotient का काम करेगा, R remainder का काम करेगा। अब देखिए उस इसको साइड में कर दीजिए इस कैलकुलेशन को, आप यहां पर यूज करते हैं किसका, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। ठीक, 225 है, 225 क्या हो गया आपका, डिवाइजर क्या है 135 इनटू
क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर क्या आपका, इस केस में रिमाइंडर 90 है, ठीक। अब यहाँ पर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो था ना, फिर से एडीआर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब दूसरा डिवीजन में क्या हो रहा है देखिएगा, दूसरा डिवीजन में 135 विल एक्ट एज द डिविडेंड, और डिवाइजर क्या है 90, क्वेश्चन क्या है फिर से मन, रिमाइंडर क्या इस केस में 45, फिर लिखिए रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो। ये बार बार क्या कर रहा हूं, यहां पर EDL लगा रहे, यहां पर EDL मैंने बताया था ना, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम रिपीटेड यूज ऑफ EDL होता है, यहां पर भी यूक्लिड डिवीजन लगा, यूक्लिड डिवीजन लगा, कर क्या रहा हूं, बार बार क्यों कर रहा हूं, ताकि रिमाइंडर मेरा जीरो हो जाए, जब तक जीरो नहीं आएगा हम ये प्रोसेस करते रहेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 45 डिवाइड करें 90 को, तो 90 विल एक्ट एज अ डिविडेंड और 45 विल एक्ट एज अ डिवाइजर, दैट मींस यहां 45 90 और 135 बी का काम करता है, ठीक। और यहां 45 के केस में क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2, ठीक, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा अपना, यहां पर रिमाइंडर आ रहा है रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी गेट एससीएफ ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू क्या आया हमारा, इससे क्या है 45, जो डिवाइजर होता है लास्ट वाला जिससे कि रिमाइंडर जीरो आता है वो डिवाइजर हमारा हो जाता है क्या एचसीएफ। आई बात समझ में, नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करिए, थर्ड तो आपको कुछ निपटा लोगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज सब पार्ट 2। अब देखिए सब पार्ट 2 में हमारा जो पेयर है दैट इज 196 एंड 38220, ये बड़ा और ये छोटा, ठीक, सीधी से बात है 38220 बड़ा है 196 से, ठीक। तो फिर से एससीएफ के लिए वही परफॉर्म करते हैं, एससीएफ के लिए आपका ठीक, एससीएफ के लिए कौन सा डिवीजन मेथड, ठीक, और उसी डिवीजन मेथड को सजा के हम यहां पर लिख देंगे, दैट मींस यहां पर हम ईडीएल का यूज करेंगे और यहां पर डिवीजन कर रहे हैं, ठीक। जो बड़ा रहेगा वो कहां जाएगा, एज अ डिविडेंड होगा, मतलब बीच में आएगा 38220, ठीक, और जो छोटा होगा पेयर में वो एक्ट एज अ डिवाइजर करेगा, ठीक है। अब देखिए 196 टाइम 1 गिव्स 196 का 2 टाइम्स करेंगे उस इक्वल टू 390 पार हो जाएगा, 382 से पार हो जाएगा, तो 392 हुआ था तो 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 196 टाइम 1 गिव्स 196, ठीक, 12 माइनस 6 गिव्स 6, और यहां पर 7 है 17 माइनस 9 गया 8 आ जाएगा, ठीक है, और 2 माइनस 1, ठीक। फिर यहां पर नीचे उतारेंगे 162, ठीक। अब देखिए कब आ रहा है 196 टाइम 8 करके देखिए 6 इज 48 होता है 4 8 है 72 प्लस 4 76 प्लस 7 इक्वल है, यार मतलब 9 टाइम जा सकता है, 9 टाइम ही जाएगा, ठीक है। 6 9 54 का 5 9 9 81 प्लस 5 86 का 8 9 9 9 9 यहां पर आपको 17 होना चाहिए, 2 9 6 6 हो गया, यहां पर 17 है, मैट्रिक 9 6 7 8 9 6 5 9 9 8 1 2 8 6 8 9 9 9 17 चलिए ठीक है 17 है ठीक अब यहां 12 माइनस 4 कितना हो गया 8 आ गया ठीक और यहां 5 है तो 15 माइनस 6 9 आएगा फिर 7 माइनस 6 ठीक फिर से इस जीरो को नीचे उतारेंगे हां अब देखें यहां क्या आ रहा है अब ये 196 की टेबल में डायरेक्टली 5 टाइम्स चल जाएगा 5 6 30 का 3 हो गया 5 9 45 प्लस 3 48 का 4 5 9 9 ठीक। अब यहां क्या हो रहा है पहली अटेम्प्ट में मेरा रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ गया, मैंने क्या बोला था जब रिमाइंडर 0 आता है उस समय जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है एससीएफ, मतलब यहां पर तो एक फैक्ट है, ये समझ लीजिए संयोग से हो गया कि जो छोटा नंबर था जो डिवाइजर काम कर रहा था एक ही स्टेप में रिमाइंडर ले आया, तो अब यही इन दोनों नंबर के पेयर में यही एक्ट करेगा क्या एससीएफ, पहले अटेम्प्ट में भी आ सकता है दूसरे अटेम्प्ट में तीसरे अटेम्प्ट में डिपेंड करता है, ठीक है। सो 196 विल एक्ट एज द एससीएफ। अब देखिए इसी को रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू EDL यूक्लिड डिवीजन लगा क्या कहता है a इक्वल टू bq प्लस r, ठीक, जहां पर a क्या होता है डिविडेंड होता है, b आपका डिवाइजर होता है, q क्वोशेंट रिमाइंडर, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या, सबसे पहला है डिविडेंड आपका 38220,
इसे कैसे प्रेजेंट करते हैं? बी क्या है? डिवाइजर 196 है। क्यू क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन कितना आ रहा है? इंटू 195 आ रहा है। रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे? जीरो। पहली अटेम्प्ट में जीरो आ गया, रिमाइंडर इस पर तो जीरो हो गया। इसका मतलब जब रिमाइंडर जीरो होता है उस समय जो हमारा डिवाइजर होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220 इज 196। सो दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन टू क्या कह रहा है? शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। यहां पर q क्या है? कोई भी एक इंटीजर है, रैंडम इंटीजर है। पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि कोई भी ऑड इंटीजर, ऑड क्या होता है जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता, कोई भी ऑड इंटीजर जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, कोई भी ऑड इंटीजर 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है। और इसमें यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का, ठीक है। किसका? EDL यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का। अब देखिए, सबसे पहले कंसीडर करेंगे लेट एनी ऑड पॉजिटिव, ओके, लेट एनी इंटीजर बी ए, किसी भी इंटीजर को सपोज कर लिया ए, ठीक, एंड बी इज इक्वल टू, यहां पर क्या है? 6 चल रहा है ना, ठीक, 6q, तो याद करिए हमारे एक फॉर्म रहता है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर रहता है, ठीक है, ये फॉर्म रहता है ना। तो यहां बी का वैल्यू क्या रहता है? ये वाला। तो बी का वैल्यू हम क्या लेंगे? 6 लेंगे। और बी का वैल्यू क्या ले रहे हैं? 6 ले रहे हैं, ठीक है। लेट एनी इंटीजर बी ए एंड b इज इक्वल टू 6, और ये क्या है? किस तरह का इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी a एंड b इज इक्वल टू 6, ले लिया हमने। अब देखिए, अब फॉर्म पुट करते हैं, तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू EDL दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक। अब b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए तो a इज इक्वल टू 6q प्लस r होता है। क्या है? a इज इक्वल टू 6q प्लस r होता है। अब आपको पता है ना r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b होता है। मैं 6 लिख रहा था, अभी पहले b लिखिए, ठीक। तो r यहां पर b का वैल्यू क्या है? 6 है ना, तो r विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 6 हो जाएगा। तो r का कौन कौन सा वैल्यू होगा? तो r विल बी इक्वल टू 0 के बराबर हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होगा क्योंकि लेस देन 6 है। आया समझ में? r का वैल्यू इतना सारा हो सकता है, इतना तक क्लियर है? चलिए ठीक है। अब इसी इंटीजर a को, ठीक है, r is equal to 0, r is equal to 0, for r is equal to 0, a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a is equal to 6q, 6q plus r का वैल्यू कितना है? 0, इसका मतलब 6q के बराबर हो जाएगा, ठीक। for r is equal to 1, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6q plus 1, ठीक। r is equal to 2 के लिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? a is equal to 6q plus 2, ठीक। r is equal to 3 के लिए हो जाएगा a का वैल्यू 6q प्लस 3, आर इज इक्वल टू 4 के लिए इसका वैल्यू हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, ठीक है। आर इज इक्वल टू 5 के लिए हो जाएगा आपका क्या? a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका जो r है ना वहाँ पर वैल्यू पुट कर दे रहे हैं इन सारे, ठीक। अब मैक्सिमम वैल्यू यही हो सकता है। इसका मतलब जो आपका इंटीजर है ना, जो आपका पॉजिटिव इंटीजर हमने कंसिडर किया था a, उसको इन सारे 5 फॉर्म में लिख सकते हैं। वो इंटीजर a या फिर 6q प्लस 1 होगा, या फिर 6q प्लस 2, या 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, या 6q प्लस 5, ठीक है। अब लिखेंगे इंटीजर a कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय क्या है? 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, इतने सारे फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या दिखाना है? ये प्रूव करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये क्या, किसकी बात हो रही है? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब वो ऑड भी हो सकता है, इवन हो सकता है, लेकिन अभी हमको कहां तक जाना है? ऑड इंटीजर तक जाना है। इसका मतलब इनमें से कुछ रिप्रेजेंटेशन इवन के लिए होगा और कुछ रिप्रेजेंटेशन किसके लिए होगा? ऑड के लिए। अब देखिए इवन का कौन सा रिप्रेजेंटेशन होगा, ये देखिए 6q है, 6q है, ये हो गया आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर। इवन क्यों है? क्योंकि 6 मल्टीपल है किसका?
2 का मल्टीपल है, ठीक। वैसे ही आपका 6q+2, अब देखिए 6q+2 है ना, इससे 2 निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अंदर क्या रह जाएगा 3q+1, इसका मतलब अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 6q+2 डिवाइड हो सकता है, कट जाएगा, ठीक। इसीलिए 6q+2 और यहां पर 6q+4, ये जो तीन आपका रिप्रेजेंटेशन है ना वो क्या है, वो रिप्रेजेंटेशन है इवन पॉजिटिव इंटीजर के लिए, किसके लिए, इवन पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो हमारा बच क्या जाएगा, 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ये तीन बच जाएगा, यही हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा किसके लिए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए, क्योंकि इन तीनों को तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तीन जो है ये डिविजिबल किससे है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसलिए हम इन तीनों को लेंगे, इन तीनों को छोड़ के स्किप करके इन तीनों को लेंगे, ठीक है। Hence, any positive odd integer can be represented as, किसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6q+1, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है, इसको लेंगे, फिर ये भी 2 से डिविजिबल है, इसको छोड़ के इसको लेंगे 6q+3, और इसको भी नहीं ले सकते 6q+4 में क्योंकि 2 निकल जाएगा तो 2 से कट जाएगा, ये 2 से डिविजिबल है, ये इवन है, क्या बच जाएगा फिर 6q+5, यही तो हमारा क्वेश्चन था। और एक चीज और लिखेंगे, सिंस 6q+2 एंड 6q+4 आर डिविजिबल बाय 2, दे आर इवन पॉजिटिव इंटीजर, आया समझ में, वो 2 से डिविजिबल है इसलिए इवन पॉजिटिव इंटीजर है, और बाकी जो बच गया वो है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्या कह रहा है, An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ठीक, एक आर्मी कंटिंजेंट है 616, ठीक है, मेंबर्स के, और वो किसके पीछे चलेंगे, 32 मेंबर के बैंड के पीछे, ठीक। अब कैसे चलेंगे, और उन दोनों को अरेंज करना है फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स है, मान लीजिए अगर 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम्स है ना, यहां तक बैंड की कॉलम हो गई, उसके बाद किसकी, कंटिंजेंट, जो आर्मी की कंटिंजेंट की होगी ना, मेंबर्स की कॉलम ऐसी रहेंगी, ठीक, फिक्स नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। पहले बैंड की कॉलम आएगी, उसके बाद किसकी आएगी, आपकी कंटिंजेंट की कॉलम है, और क्या करना है कि दोनों के कॉलम के नंबर सेम होने चाहिए। और पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, उन दोनों को सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, अब पूछ रहा है कि वो जो कॉलम बनेगा परेड का, वो परेड में जो कॉलम बनेगा कंटिंजेंट के मेंबर के और बैंड के मेंबर के, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाएगा, यहां वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम, मैक्सिमम कहीं भी आपको दिख गया ना तो वो किससे, किसको रेफर कर रहा है, HCF, लीस्ट हो गया, मिनिमम हो गया, तब LCM लगाइएगा, जहां मैक्सिमम दिख गया वहां पर हमेशा आपका दिमाग चलना चाहिए, ठीक है भैया, 2 पेयर दिया नंबर का, उसका SCF निकालेंगे, ठीक। तो यहां पर भी वही करना पड़ेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है ना किसका, कंटिंजेंट का और बैंड का, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, 616 और 32 का क्या निकालना पड़ेगा, SCF निकालना पड़ेगा, और SCF का रूल हमें पता है, ठीक है, वो यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज करेंगे, ठीक। ठीक, नंबर ऑफ मेंबर्स इन कंटिंजेंट, कितने मेंबर हैं, 616, नंबर ऑफ, इसका मतलब है एज इट इज, जैसे ऊपर वैसे है, नंबर ऑफ मेंबर्स इन बैंड कितना है, 32, ठीक। अब इन दोनों क्या निकालना है, SCF निकालना है, SCF निकालने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, यूक्लिड एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा, यूक्लिड एल्गोरिथम में पहले देखिए 616 इज ग्रेटर देन 32, ठीक, तो डिवाइड करके तो 616 को विद इन उसको लेंगे एज अ डिविडेंड लेंगे, ठीक, और डिवाइजर क्या लेंगे, जो छोटा रहता है हमारा पेयर में, ठीक, अब 32 लेंगे, अब चलिए इसका क्या निकालते हैं, हम डिविजन करते हैं, ठीक है।
अब देखिए 32 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा, 2 टू द 4 2 3 6 बड़ा हो जाएगा तो 32 टाइम्स 1 ही रहेगा, ठीक। 11 में 2 9 आ गया, 5 में 3 2 गया, ठीक। और यहाँ पर फिर 6 आ गया। अब देखिए 6 कैसे आएगा, 2 8 जा 16, 1 3 8 जा 24, नहीं 2 9 जा 18, 3 9 27, 9 से जा सकता है, 2 9 जा 18 का 1, 3 9 27 प्लस 1 28, 1327 प्लस 8, ठीक है। 16 में 8 गया तो 8 आ गया आपका, ठीक। और फिर 8 में 8 0, ठीक है। अब रिमाइंडर का 0 है, रिमाइंडर 0 नहीं है ना, तो फिर से हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं, ठीक। अब जो ये यहाँ पर रिमाइंडर है वो डिवाइजर का काम करेगा, और यहाँ का जो डिवाइजर था उठ के यहाँ आ जाएगा और डिविडेंड का काम करेगा। अब 8 टाइम्स 4 कितना होता है, 32 होता है, देख रहे हो आंसर आ गया, रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो गया ना, यहाँ पे रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 होता है और उस समय जो हम डिवाइजर का यूज करते हैं वही हमारा क्या होता है, एस सी एफ अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिदम। अब देख रहे हो, देयरफॉर एच सी एफ ऑफ 616 एंड 32 इज क्या है, 8, 8 हमारा एस सी एफ है, और 8 ही है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें कि तुम पूरे कंटिंजेंट और बैंड के मेंबर को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च इज कितना है आपका, 32, दैट इज योर आंसर। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे क्या कह रहा है, यूज ऑफ यूक्लिड्स डिविजन लेमा दैट इज EDL टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि EDL का यूज करिए और ये प्रूव कर दीजिए कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, कुछ भी है, ठीक, जो कि हमारा पॉजिटिव है, ठीक, उसका अगर स्क्वायर करेंगे ना तो उसका स्क्वायर 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर m क्या होगा, कोई भी एक इंटीजर होगा। यूज क्या करना है, EDL, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन, ठीक ठीक। अब लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, एंड b इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं, b को क्या मान के चलते हैं, 3 मान लेते हैं, और a एनी पॉजिटिव इंटीजर है। अब b को 3 क्यों माना, आपको पता है ना a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r के फॉर्मेट में लिखा जाता है, ठीक, मतलब इन दोनों में जो पहले इंटू होता है ना, इन दोनों में जो कोएफिशिएंट का काम करता है ना उसी को हम बी मानते हैं। देखिए 3m है, 3m प्लस 1 है, ठीक है, यहाँ कोएफिशिएंट 3m है ना, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, इसलिए उसको बी मान के चल रहे हैं, बी इक्वल टू 3 मान के चल रहे हैं, आया समझ में। अब देखिए, अब यूज करते हैं क्या, EDL अकॉर्डिंग टू EDL, EDL क्या कहते हैं अपना, ठीक, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी, बात समझ में है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी, ये होता है EDL, दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये कुछ नहीं है, ये डिवीजन का फॉर्मेट होता है, जहां पर ये क्या होता है, ये आपका होता है क्या, डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये कोशेंट होता है, और ये रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर किस रेंज में आता है, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी, ठीक है। अब देखिए, अब बी का वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं, बी क्या सपोज किया 3, तो इंटीजर आपका क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी की जगह 3 लगा देंगे तो 3 क्यू प्लस आर। अब बताइए यहां r का रेंज क्या होगा, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b होना चाहिए ना, तो b की जगह क्या है 3, इसका मतलब r का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 है और ग्रेटर भी है, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 नहीं होगा, 3 क्यों, लेस देन 3 है, इक्वल टू 3 नहीं है, तो ये वैल्यू ले सकते हैं। इसका मतलब R का 3 पॉसिबल वैल्यू है ना, तो 3 केसेस अराइज होंगे जिसमें कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर A को, ठीक। केस 1, केस 1 में देखिए, जहां R का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, R का वैल्यू जब 0 होगा तो आपका A क्या हो जाएगा, जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, बी क्यू यानी 3 क्यू प्लस R क्या है, 0 है, 0 रख दीजिए, 3 क्यू आ गया, आया समझ में। अब देखिए, अब इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर भी करना है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, क्या चाहिए, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो ए स्क्वायर जब करेंगे तो 3q का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 9q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक,
आर का वैल्यू क्या लेते हैं, आर का वैल्यू इक्वल टू वन लेते हैं, तो ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी बी का वैल्यू क्या है, थ्री क्यू प्लस आर का वैल्यू मैंने वन लिया तो वन रख दीजिए, ठीक। अब ए का स्क्वायर करते हैं, यानी थ्री क्यू प्लस वन का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या यूज़ करेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है, इसी आइडेंटिटी का यूज़ यहाँ करेंगे, ठीक। पहले इसका स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ नाइन क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टू ए बी हो जाएगा, ए पूरा ये है और बी ये है, मतलब टू थ्री जै सिक्स क्यू, आए समझ में, इसको ऐसा लिख सकते हैं, नाइन क्यू स्क्वायर प्लस वन प्लस सिक्स क्यू, ठीक, ये फॉर्म में हो गया। केस टू था, अब केस थ्री, केस थ्री क्या सपोज करेंगे, आर का वैल्यू कितना होगा, केस थ्री में आर का वैल्यू इक्वल टू टू होगा, आर का वैल्यू इक्वल टू टू रख दिया, तो ए को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी क्यू, यानी बी क्या है, थ्री है, क्यू प्लस टू, फिर ए स्क्वायर निकालते हैं, क्योंकि मुझे स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, स्क्वायर चाहिए, तो मेरा पॉजिटिव इंटीजर तो ये है, तो उसको स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, थ्री क्यू प्लस टू है, फिर से इसी फॉर्मूला का यूज़ करिए, मतलब आइडेंटिटी का, तो ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो नाइन क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फोर हो जाएगा, प्लस टू थ्री जै सिक्स प्लस टू इंटू टू ट्वेल्व क्यू हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर। अब मैंने हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर निकाल दिया है, इसका भी स्क्वायर निकाल के ये ले आया, और इसका भी स्क्वायर निकाल के ये आया, ठीक है। अब मुझे उसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, थ्री एम या फिर थ्री एम प्लस वन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब देखिए, जो नाइन क्यू स्क्वायर है, क्या मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, चलिए इंडिविजुअली यही कर देते, ठीक है। ये जो नाइन क्यू स्क्वायर है ना, उसको किसके फॉर्म में कर सकता हूँ, थ्री एम, अब ठीक है, नाइन क्यू स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ, थ्री इंटू थ्री क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, इसको ब्रैकेट में लग दीजिए, क्योंकि इसको लिखेंगे तो फिर से यही वैल्यू हो जाएगा। अब ये जो थ्री क्यू स्क्वायर है ना, उसको क्या सपोज कर रहे हैं, एम सपोज कर ले, ठीक है, विच इज इक्वल टू थ्री एम, ठीक है, फिर एम इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर और एनी इंटीजर, ठीक। अब यहां क्या करना है, ए स्क्वायर इक्वल टू नाइन क्यू स्क्वायर प्लस वन प्लस सिक्स क्यू है, ठीक। अब ए स्क्वायर है ना, अब इसको भी थ्री का मल्टीपल के फॉर्म में शो करते हैं, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे नाइन क्यू स्क्वायर है प्लस सिक्स क्यू है प्लस वन लिख देते हैं, अरेंज करके वन को इधर लिख दिया, सिक्स क्यू को इधर लिख दीजिए। अब नाइन क्यू स्क्वायर और सिक्स क्यू से क्या निकाल लेंगे हम, थ्री निकाल लीजिए, थ्री निकाल दिए, यहाँ क्या जाएगा, थ्री क्यू स्क्वायर है प्लस टू क्यू है प्लस वन। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ m किसको सपोज किया था, थ्री क्यू स्क्वायर को, और यहाँ m किसको सपोज करना है, इससे, ताकि मेरा थ्री एम प्लस वन आ जाए, ये पूरे के पूरे को अगर m मान लेंगे ना, तो थ्री एम प्लस वन आ जाएगा, इक्वल टू थ्री एम प्लस वन, ठीक। अब यहाँ क्या लिखा है मैंने, थ्री क्यू स्क्वायर प्लस टू क्यू इक्वल टू m, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये सपोज कर दीजिएगा, ठीक, आए समझ में। अब यहां पर भी इंटीजर 3m प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और यहां पर जो इंटीजर था ए स्क्वायर, उसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, 3m के फॉर्म में। अब देखिए, यहां ए स्क्वायर किसके फॉर्म में, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12q है, ठीक। अब यहां क्या करेंगे, 9q स्क्वायर है प्लस 12q है, और यहां जो 4 है ना, उसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1 के फॉर्म में, देखिए कुछ चेंज नहीं किया है, 12 को यहां रख दिया, 4 को यहां रख दिया, 4 को कैसे लिखा, 3 प्लस 1, किस लिए कर रहा हूं ये, ताकि थ्री फैक्टर में बाहर निकल पाऊँ। अब देखिए, थ्री फैक्टर में बाहर निकाल रहा हूँ, तो यहाँ थ्री क्यू स्क्वायर हो गया प्लस थ्री फोर जो ट्वेल्व क्यू, फोर क्यू हो गया प्लस वन आ गया, आ रहा बात समझ में, थ्री मैंने बाहर निकालने के लिए यहाँ थ्री प्लस वन, फोर को थ्री प्लस वन के फॉर्म में लिखा। अब ये पूरे, ठीक है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ना, पूरे को मैं क्या सपोज कर लेता हूँ, एम विच इज इक्वल टू थ्री एम प्लस वन, सिंस वेयर एम इज इक्वल टू थ्री क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू प्लस वन इज एनी इंटीजर, आया समझ में, सपोजिशन कर लिया मैंने इंटीजर का, ठीक, और m मान लिया। अब देखिए, जब मेरा a इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस टू था, फिर उसका स्क्वायर करके मेरा ये आया, ठीक है, नाइन क्यू स्क्वायर प्लस ट्वेल्व क्यू प्लस थ्री प्लस फोर, मतलब ये फोर के बराबर आया, ठीक। उसको भी मैंने यहां पर भी a स्क्वायर को मैंने थ्री एम प्लस वन के फॉर्मेट में लिख दिया,
ठीक। और यहां पर भी a का a स्क्वायर मैंने किया ना, तो फिर मेरा ये आया, फिर इस a स्क्वायर को भी मैंने 3m plus 1 के फॉर्मेट में लिख दिया, और यहां जो a स्क्वायर था उसको मैंने किसके फॉर्मेट में लिख दिया, a स्क्वायर इक्वल टू 3m के फॉर्मेट में। यानी मैंने प्रूव कर दिया कि a स्क्वायर दैट इज स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1, या फिर 3m के फॉर्म में दिखा सकते हैं या फिर 3m plus 1 के फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक है। लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस एनी सिंस हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ m 3m और 3m plus 1 या फिर 3m या फिर 3m plus 1 के फॉर्म में किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा दैट इज EDL टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 या 9m plus 8। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करें ना तो इन तीन फॉर्म में दिखा सकते हैं, किसमें, 9m के फॉर्म में, या फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो 9m के फॉर्म में आएगा, या फिर 9m plus 1 के फॉर्म में आएगा, या फिर 9m plus 8 के फॉर्म में आएगा, जहां पर m इज इंटीजर, m इंटीजर के फॉर्म में, ठीक है। अब वैसे प्रोसीड करते हैं सॉल्यूशन, अब देखें कैसे प्रोसीड करेंगे। इसमें पहले सपोज करते हैं a जो पॉजिटिव इंटीजर का है ना, जिसका क्यूब करके ये तीन लाना है ना, ठीक, पहले उस पॉजिटिव इंटीजर को सपोज करते हैं, लेट दी पॉजिटिव इंटीजर बी a एंड b इक्वल टू 3। बताया था मैंने b क्या होता है, ठीक। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन क्या होता है b के बराबर। अब देखिए यहां पर क्या है, a सपोज किया हुआ, a कुछ भी हो सकता है, लेकिन b का वैल्यू यहां 3 दिया हुआ, दैट इज a इक्वल टू 3 क्यू प्लस आर। इसका मतलब r का जो वैल्यू है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन b होना चाहिए, लेस देन b होना चाहिए, लेस देन b, तो यहां पर b क्या है, बी क्यू, ये b होता है 3। तो r का क्या क्या वैल्यू हो जाएगा, r का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, लेस देन 3 है। आया बात समझ में, r का जितना वैल्यू होता है उतना ही केसेस बनता है, केसेस कितना बनेगा, 1 2 3 3 केसेस बनेगा। चलिए सबसे पहला केस 1 को डिस्कस करते हैं, केस 1। अब केस 1 में क्या है, r इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, r इक्वल टू 0 लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए कैसे शुरुआत करते हैं, पहले कोई पॉजिटिव इंटीजर को a मानते हैं, सपोज करते हैं, फिर b का वैल्यू सेट करते हैं कि b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसका फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसके बाद r का रेंज बताते हैं, r कहां से कहां तक है, उसके बाद r का वैल्यू निकालते हैं, और जितना वैल्यू होता है उसके हिसाब से केसेस तय करते हैं कि कितने केसेस होंगे, ठीक है। सबसे पहला केस 1, r इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3q प्लस r, r का वैल्यू कितना है 0, तो मतलब 3q। और क्योंकि मुझे क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर निकालना है, क्यूब निकालना है, ठीक है, अगर क्यूब निकालना है तो इसका, इस पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, ए क्यूब। चलिए थोड़ा सा पहले आइडेंटिटी बता देता हूं, यहां से आइडेंटिटी कौन सा लग रहा है, ए प्लस बी का होल क्यूब अगर होता है ना तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी होता है, यही होता है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, पढ़ा होगा आपने 8th क्लास में। चलिए ठीक है, इसका मैंने कर दिया क्यूब, अगर इसका क्यूब किया, क्योंकि RHS में क्यूब किया, RHS में क्यूब हो जाएगा, ठीक, ये RHS हमारा, तो 3Q का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या होता है 27 और क्यूब का क्यूब, ठीक। अब मुझे किसी भी इंटीजर का, यानी किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब को किसके फॉर्म में लिखना है, 9m, 9m plus 1 या फिर 9m plus 8 का, यानी मतलब इसमें से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 9 का फैक्टर बाहर निकालना पड़ेगा, 9 3Q क्यूब, आ रहा बात समझ में, 9 बाहर निकाल लेंगे तभी तो अंदर का चीज को मैं m सपोज करूंगा, आया बात समझ में, इसलिए 9 का फैक्टर को बाहर निकाल दिया, 27 से 9 निकलेगा तो कितना आ जाएगा अंदर में, 3। अब जो अंदर में बचा ना 3Q क्यूब बना, तो इसी को क्या सपोज कर लेते हैं, m सपोज करते हैं, वेयर m
इज इक्वल टू 3qq. देयरफॉर ए क्यूब का वैल्यू कितना आ गया हमारा 9m आ गया. बात समझ में आ गया? ठीक. अब केस टू में चलते हैं. केस टू में, केस टू में क्या होगा? मैंने बताया था जितना आर का वैल्यू उतना केसेस है. पहले जीरो लिया, तब केस क्या होगा? आर का आर इक्वल टू 1 लेके चलते हैं. तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी क्यूब. बी का वैल्यू 3 है, क्यूब प्लस 1 लेंगे. फिर से क्यूब करेंगे, ए क्यूब है, 3q प्लस 1 का क्यूब करना पड़ेगा. ए क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ये क्यूब होता है ना, तो अंदर वाले दोनों क्वांटिटी का क्यूब होता है. ए क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab. ये पूरा 3a है ये, ठीक है, सॉरी 3ab इंटू ए प्लस बी. ये हो गया ना, पूरा का पूरा यहाँ a है, ये पूरा का पूरा b है. मतलब 1 बी का काम कर रहा है, 3 क्यूब किसका काम कर रहा है? a का काम कर रहा है. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये पूरा का पूरा a है, a इंटू बी विद इन ब्रैकेट 3q+1 ब्रैकेट क्लोज. आया समझ में? अब देखिए 3q का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 27q क्यूब हो गया. 1 का क्यूब कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 1 होगा. ठीक, 3 जा 9q प्लस 3q+1, यहाँ ब्रैकेट हटाना पड़ेगा. 27q क्यूब होगा प्लस 1 होगा प्लस 9q इंटू 3q क्या होगा? 9 इंटू 3 27q इंटू q स्क्वायर होगा 9q. अब बीच में प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यार, पहले इसको इसमें इंटू करेंगे फिर इसको इंटू, बीच में साइन वैसे के वैसे रख देते. आया समझ में? ये प्लस तो दे दिया था ना. ठीक है, 9 into 3, 9 27 क्यू स्क्वायर है प्लस 9q into 1 9q. आगे समझ में? अब देखिए यहाँ क्या करना है, 9m तो शो नहीं कर सकते, हम ट्राई करेंगे 9m+1 शो करने का. क्या 9m+1? 9m+1 कैसे शो करेंगे? इस 1 को उठा के उधर रख दीजिए. अब 27q क्यूब है प्लस 27q स्क्वायर है प्लस 9q है प्लस 1 आ गया. कुछ नहीं किया, कम्यूट कर दिया, प्लस 1 को उधर भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब देखिए कुछ भी करके इससे मुझे 9 का फैक्टर बाहर निकाल के रख देना है ताकि अंदर में केवल बच जाए एक फैक्टर. अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 27 ये भी 9 का फैक्टर है, ये भी 9 का फैक्टर है, यहाँ से भी 9 निकाल सकते, तीनों से 9 निकाल देंगे. चलिए निकालते हैं, यहाँ से 9 निकाला तो अंदर में क्या रह गया? 9 3 जा 27, 3q क्यूब बच गया. ठीक, अब यहाँ इस 27 से अगर 9 निकालेंगे तो फिर यहाँ 3 बच जाएगा और क्यू स्क्वायर वैसे का वैसी. अब यहाँ से 9 निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, यानी 1q बच जाएगा. अब ये क्यों कर रहा हूँ? 9m+1 9m+8 के फॉर्म लिखना है. अब यहाँ प्लस 1 तो पहले आ गया, जैसे कि इसके फॉर्म में देखिए अब दिख रहा है. अब 9m है ना, तो इस पूरे को क्या सपोज कर लेंगे? m सपोज करेंगे. वेरी नाइस, 9m+1 के फॉर्म में मैंने शो कर दिया. अब यहाँ लिखना जरूरी है, m is any integer. बात समझ में आया? अब कितना है ये केस डिस्कस हो गया. अब केस 3 क्या होगा? ऑब्वियसली r इक्वल टू 2 लेके केस हम 3 बनाएंगे. केस, चलिए इसको थोड़ा इक्वेशन लिख देते हैं. ये 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया. चलिए अब केस 3, केस 3 में क्या होगा? r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 के बराबर होगा. तो a इक्वल टू b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू 3 है, 3q+2 है. अब क्यूब करेंगे तो 3q+2 का क्यूब हो जाएगा. इसका मतलब 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab. a का वैल्यू कितना है? 3q है इंटू 2 है, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? 3q+2 आ जाएगा. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ये b है, b मतलब ये 2 है, इंटू ए प्लस बी. आया समझे? अब देखिए 3 का क्यूब करेंगे 27, क्यू का क्यूब करेंगे तो क्यू क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा आपका. ठीक, 3 into 3 9 9 into 2 18, क्यू आ रहा है, और विद इन ब्रैकेट क्या है? 3q+2 एज इट इज लिखेंगे. फिर से करेंगे एक और स्टेप, 18q है ना, अब मल्टीप्लाई होगा 3q से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. पहले 18q 3q से मल्टीप्लाई होगा, फिर 18q 2 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस का साइन. 18 क्यूब और 3q, पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर जाते हैं. 18 टाइम्स 3 कितना होता है? 54. ठीक है, 54, और q इंटू क्यू क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर. अब 18q को इंटू 2 से करेंगे, 18 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा आपका? 36, और q का q. आया बात समझ में? चलिए अब प्लस 8 को रख दीजिए बाहर में. ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को एकदम लास्ट में रखिए, क्योंकि हमको इसके फॉर्मेट में लाना है 9m+1 के. तो प्लस 8 लास्ट में है ना, तो सबसे लास्ट में इसका पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं, कम्यूट कर देते हैं, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ा होगा. ठीक है, जूनियर क्लासेस में 36q है प्लस 8 है. आया बात समझ में? अब देखिए यहां से मुझे क्या निकालना है,
9 का फैक्टर बाहर निकाल के करना है। क्या निकालना है यहाँ से? 9 का फैक्टर निकालना है। 9 का फैक्टर 27 भी होता है, 54 भी होता है, 36 भी होता है। 27 से 9 बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा आपका? 9 3 जाए 27 और q टू द पावर 3 है, 54 है 9 की टेबल में। 54 क्या कब आता है? 9 6 जाए 54, ठीक, तो 6 बच गया और q स्क्वायर रह गया। और 36 से 9 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 4 जाए 36 और q रह गया प्लस 8 है। अब ये पूरे 3 3q³ + 6q² + 4q इन सारे को क्या सपोज करेंगे? m सपोज कर लेंगे, विच इज इक्वल टू 9m + 8 है। और क्या देंगे रीजन में? m इज एनी इंटीजर, और इसको इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। ठीक हो गया इतना। अब क्या लिखेंगे? यूजिंग इक्वेशंस 1, 2 and 3 वी कैन से दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 2। ठीक है, विद दिस वी एंड दिस एक्सरसाइज। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.2। टिल देन टेक केयर।